जय हिंद दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों देश भर में टीओडी का नियम लागू हो चुका है, अग्निपथ योजना लागू हो चुकी है। ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी अपडेट आई है। हाल ही में दोस्तों गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यहां पर अमित शाह के द्वारा यहां पर एक ट्वीट किया गया है कि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में टीओडी अग्निपथ योजना के तहत 4 साल नौकरी करने वाले युवाओं को किया जाएगा भर्ती। तो क्या नई भर्तियां अब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसको लेकर भी दोस्तों एक मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूं। यहां पर आप देख लीजिएगा, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है और जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि सीआईएसएफ में भी ठेके पर होगी भर्तियां। जी हां दोस्तों, ये पूरी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, साथ ही राजनाथ सिंह जी की तरफ से जो ट्वीट किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप एक बार देख लीजिएगा, यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि सीआईएसएफ के इतिहास में पहली बार 1.20 लाख भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। जी हां दोस्तों, अब सीआईएसएफ में भी भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे की जाएगी और इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत सेना और पैरामिलिट्री के जो रिटायर्ड कर्मी है उनको 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर यहां पर लिया जाएगा। नई भर्तियों में 60% स्थायी होगी और 40% कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे भर्ती। सरकार सीआईएसएफ को प्राइवेट प्रतिष्ठानों में भी तैनात करना चाहती है। तो बड़ी अपडेट है, साथ ही दोस्तों इसके साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से जो ट्वीट आया वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, अग्निपथ स्कीम 4 साल बाद अग्निवीरों को यहां पर मिलेगी नौकरी। अमित शाह ने खुद यहां पर घोषणा की है, क्योंकि देश भर में टीओडी लागू होने के बाद में सभी युवा नाराज है और ऐसे में अब उनकी आयु में भी उनको छूट दी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है अग्निपथ स्कीम को लेकर। केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह है, उनके मंत्रालय का जो ऑफिशियल ट्विटर है उससे एक बड़ा ट्वीट आया, जिसमें कहा गया है कि अग्निपथ योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्श व स्वागत योग्य निर्णय। के साथ ही उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को कैप्स, मतलब दोस्तों सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स से जितने भी एसएससी जीडी के अंडर में आती है उन सभी में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा ट्वीट आया है, क्योंकि देश भर में जब से टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव लागू हुआ तब से लगातार यहां पर अभ्यर्थियों की मांग हो रही थी कि टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव को हटाना चाहिए, क्योंकि 4 साल के बाद में हम क्या करेंगे। लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्सेज में उन सभी को भर्ती किया जाएगा। ऐसे में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी यहां पर दोस्तों टेंशन हो चुका है, क्योंकि लगातार वो सीआईएसएफ एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी करते हैं, लेकिन अब कुछ वैकेंसियां अग्निपथ योजना के थ्रू भर्ती होने वाले युवाओं को मिलेगी। साथ ही जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5 साल के लिए यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज मतलब सीआईएसएफ की तरफ से यहां पर रखा जाएगा। और ये ऑफिशियली न्यूज़पेपर की कटिंग है जो आपने देखी अभी। इसके अलावा दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्सेज और हर रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि पल पल की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।